नमस्कार, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ इंडिया में। मैं सौरभ राय अभी मौजूद हूँ रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल के समीप। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे बहुत दिनों से पानी बह रहा है और नगर निगम ना यहाँ के पार्षद कुछ यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। किस तरह का परेशानी आप लोग को जूझना पड़ रहा है? ये तार जो डाला है, ये लोग तार डालने के बाद यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी इतना निकलता है कि पूरा स्कूल है बगल में, स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी होता है। और आगे जाके देखिएगा, वहाँ पर जमा हो गया है पानी और बच्चों लोग को आने जाने में दिक्कत है। आम पब्लिक को भी परेशानी होता है। सभी विभागों को बोल दिया गया, पीएचडी विभाग को भी बोल दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लोगों को काफ़ी परेशानी, रोड में जमा हो जाता है पानी। विशेष क्या बोले, देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा वीडियो यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पर पानी अभी जमा है, अभी तो पानी बंद हो गया। जब नल में पानी आता है तो पूरा पानी भर जाता है रोड में। पानी की बर्बादी काफ़ी हो रही है सप्लाई पानी की, और उसके कारण होता है कि नाली में पूरा पानी भर जाता है, गंदा पानी बहने लगता है पूरा। आगे स्कूल के बगल में पूरा पानी जमा हो जाता है, पूरा बहुत दिक्कत होता है। नहीं सर, तो आप यहाँ पे जो पार्षद हैं उनको क्या कहना चाहता है? आप लोग के बात की थी उनसे, कुछ आया नतीजा? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नतीजा नहीं आया है। आप नगर निगम के माननीय उप महापौर महापौर जी को क्या कहना चाहते हैं? उनको बस यही कहेंगे कि इस समस्या को जल्दी सुलझाए, क्योंकि पानी अभी गर्मी का दिन है और पानी अमूल्य है। और पानी के बराबर कम से कम नहीं तो 500-1000 लीटर डेली यहाँ पे निकल रहा है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले, एक महीना पहले, कुछ अधिकारी लोग आए थे जो कि गड्ढा उड़ा कर गए हैं। 3-4 जन तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया रात के समय, और कोई मने बोलने से कुछ मने इसका उपाय नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द इसको करवाया जाए, क्योंकि रोड का मामला है ना। अब सरकार तो क्या है, सरकार तो केवल गड्ढा करता है, हर जगह तो गड्ढा करके रखा है सरकार। अभी देखिए यहाँ पे कितना परेशानी हो रहा है, कम से कम 2-3 महीने से परेशानी हो रहा है यहाँ से। पर इसके तरफ नगर निगम में किसी को ध्यान ही नहीं है। कितना जन फुटेज भी भेजे, खींच खींच के फोटो भी भेजा गया, पर कुछ भी इसका उपाय नहीं निकल रहा है। हम लोग तो दिन भर सामने रहते हैं, देखते हैं पानी आता है, आधा घंटा आता है पूरा रोड में बह जाता है पूरा। हम लोग तो खुद पानी ले जाके छिड़कते हैं पूरा दुकान में, क्या करें। यूज़ तो होना चाहिए ना पानी का, ये बताइए, कुछ तो यूज़ कर ही रहे हैं। आप लोग इसका उपाय निकालिए जल्द से जल्द। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई, मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे पानी का दुरुपयोग हो रहा है। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया, रिपोर्टर सौरभ राय के साथ।